कांग्रेस के कद्दावर नेता एवं शाहनगर जनपद अध्यक्ष ने छोड़ा कांग्रेस का दामन, 20 जनपद सदस्यों के साथ बीजेपी में हुए शामिल, प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। बीते दिवस कांग्रेस को एक और झटका लगा है, जब पवई विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सहारनगर जनपद के अध्यक्ष ने 20 सदस्यों के साथ कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा के निवास पर सहारनगर जनपद के अध्यक्ष आशीष खरे, 20 जनपद सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने सभी को पार्टी का अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि जनपद अध्यक्ष आशीष खरे, उपाध्यक्ष शिवराज सिंह के नेतृत्व में पन्ना जिले के सहारनगर मंडल के 25 में से कई जनपद सदस्यों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इन सभी सदस्यों के भाजपा में आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा है कि हम सभी के संकल्प से प्रत्येक बूथ पर भाजपा इतिहास रचेगी और कांग्रेस मुक्ति बूथ बनाएगी और इस बार खजुराहो में जीत का परचम फहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी विजय का इतिहास बनाएगी, कांग्रेस मुक्त बूथ बनाएंगे, ये संकल्प सबका है और इस बार खजुराहो में जीत का परचम फहराएगा। जबरदस्त, आज हमने भारतीय जनता पार्टी पार्टी के साथ हम जुड़े हुए हैं और आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का नामो निशान नहीं रह जाएगा और पूरी पवई विधानसभा में ऐतिहासिक जीत जीत कर भारतीय जनता पार्टी आएगी और बीडी शर्मा जी, आदरणीय भाई साहब बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में बहुत जल्द फिर से हमारे यहाँ खजुराहो सांसद बनेंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी बीडी भाई साहब के कितने लोगों के साथ सदस्यता ली आज? हम लोग लगभग 35-40 लोग यहाँ पे एक साथ आए जी। आपके जनपद से कौन कौन था? हमारे बहुत सारे जनपद सदस्य, लगभग 21 जनपद सदस्य साथ में जी।